गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग बच्चों, नीतू, मंजू, रूबी, पंकज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग एंड हाउ इज योर स्टडी? जी फरा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आफ्टर अ गैप वी आर जस्ट गोइंग टू इंटरेक्ट। जी अनम, वेरी गुड इवनिंग। प्रज्ञा, गुड इवनिंग। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आबिदा, ऑल राइट आबिदा, गुड मॉर्निंग। जी संध्या, गुड मॉर्निंग। तो होप के सभी बच्चे अच्छे हैं और बढ़िया से अपना वर्क कर रहे हैं लगातार। तो बच्चों, आज डिस्कशन करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफी समय से हम इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे आपसे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल। जी नीतू, नमस्ते। तो सबसे पहले बच्चों, मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ में कि देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट हम अभी करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। फॉर ऑल स्टूडेंट्स होगा, सबसे बड़ी बात यह है, और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं इसको प्लान कर रहा हूं। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि हम आने वाले हर एग्जाम के लिए लगातार वर्क कर रहे हैं। जी दीपक, मनीषा, ऑल राइट मनीषा, गुड मॉर्निंग। जी तो सब बच्चे देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का था, जो बच्चे तभी से लगातार हैं साथ में वो जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में काफी क्वेश्चंस मिले थे बच्चों। अगर इन वीडियोस को भी देखा जाता तो भी आप क्लियर कर सकते थे। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात की थी डीएसएसबी की, हम डीएसएसबी के वर्क हमने किया और बच्चों उसमें भी काफी क्वेश्चंस आपको मिले। और फिर हमने बात की थी रीट, जो कि बिल्कुल पास का था एग्जाम, वेरी नियर इट वाज, लेटेस्ट था। और इसमें अगर आप रीट वाले में देखेंगे, हमने सिक्स सीरीज वहां पे की थी, सिर्फ छह। और बच्चों आप देख सकते हैं उस रीट वाले एग्जाम में आपको कितने अच्छे क्वेश्चंस मिले एज इट इज, यानी कि लास्ट जो सिक्स सीरीज थी उसमें से लाइक आपके इंग्लिश सोनेट का होना है ना, और आपका पेट्राकन सोनेट का होना, लाइक आपका ब्लैंक वर्स का होना, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि त्यों वहां से निकले हैं। मेरे कहने का मीन्स है कि अगर हम इस पे ध्यान दें, अपने जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है, जितनी भी प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस बहुत हद तक बेनिफिशियल है, क्योंकि इनके साथ साथ में टीटी का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है बस। नहीं तो जी अनु, गुड मॉर्निंग। राहुल, गुड मॉर्निंग। सबिया, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है जिसका रिजल्ट आ चुका है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दे पीपल आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो खुशी होती है इस बात को देख के, मतलब कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट हुआ, कहीं ना कहीं वो बेनिफिटेड हुए से, और इससे बेनिफिटेड होने का मीन से दे आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। अब मैं रिजल्ट को आपको डिक्लेयर करूंगा, सब बच्चों को बताऊंगा, बट उनके इंटरव्यू हो जाने देते हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आई वुड बी टेलिंग यू कि किन किन बच्चों का हुआ है, कैसे कैसे हुआ है और कितना मजा आया उस बात में। मतलब मैं तो आपको कहता हूं यहीं तक एंजॉय हम कर रहे हैं, बच्चे इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बढ़िया अचीवमेंट है, खुशी मिलती है। मैं तो ये चाहता हूं सभी बच्चे रीट वाले जो है, रीट वाले बताएं कि सर वी आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, वी गॉट सेलेक्टेड। डीएसएसबी वाले बच्चे बताएं, और यूपी टीजीटी, टीजीटी का भी आने वाला है आपका रिजल्ट है ना। तो जी पलक, जूनियर के लिए, बिल्कुल पलक मैं उसी के लिए यहां पे हूं। जी रोशनी, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों मजेदार बात यह है, क्योंकि ये मेरा खुद का इवेल्युएशन भी है और सब बच्चों के सामने है, आपने एग्जाम भी दिए हैं, आपने उन एक्सरसाइज को किया भी है, प्रैक्टिस को किया है, तो आप कितने बेनिफिटेड हैं, कितने क्वेश्चंस मिले हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्यों ना इस अच्छी चीज को फिर से कंटिन्यू रखा जाए। हो सकता है कि कभी मुझे भी अर्जेंसी हो, या फिर इमरजेंसी हो, या फिर कोई बात हो, एक दिन क्लास ना हो, दो दिन ना हो, तीन दिन ना हो। इस बार मैं वैसे रखूंगा कि आपको ऑलरेडी बता दूंगा, टेलीग्राम पे हम बता देंगे कि दो दिन का गैप है या कैसे। बाकी इस गैप के बाद में हमें इसे लगातार जारी रखना है, सब बच्चे इस पे लगातार आते रहे, बेनिफिट इसी तरह से होते रहे और अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर करते रहे। इस क्लास का ये मीन्स है। सीटेट का दीपक, कट ऑफ नहीं होता है बेटा सीटेट का, सीटेट में तो बस आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, अगर आप जनरल में हैं आप पास हो जाते हैं उसमें, है ना, उसमें कट ऑफ की बात नहीं होती है। हाँ जूनियर की बिल्कुल संध्या, हम उसी पे वर्क कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। हां सभी, हाँ बेटा बिल्कुल, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं,
लेकिन देखो इंटरव्यू तो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमने कितना पढ़ा कैसे, लेकिन रिटर्न को क्वालिफाई करना अपने आप में छोटी बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि रिटर्न आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो समझो इंटरव्यू में एक बार निकालेंगे आपको, दूसरी बार निकालेंगे कहां, कितनी बार निकालेंगे, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। मतलब रिटर्न निकालने का मीन्स है कि यू आर क्वालिटेटिव पर्सन, आप में क्वालिटी आ गई है। तो मैं लगातार बच्चों से कहता रहा हूं, कुछ बच्चों ने बात को माना है, कुछ ने नहीं माना है, लेकिन इतना पक्का है कि बच्चों इन क्लास से बेनिफिट आप लोग हुए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल राहुल बिल्कुल, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं बस, अब करने जा रहे हैं। हाँ दीपक, मैराथन करेंगे सीटेट की बेटा, बिल्कुल करेंगे। तो देखो इस क्लास का आज का जो इंट्रेक्शन मेरा है, हमने रीट वाली क्लास को लास्ट में किया था और रीट के बाद में हम आज क्लास ले रहे हैं आपकी। तो बच्चों मैं ही चाहता हूं कि अपकमिंग एग्जाम हमारे हैं, एक एग्जाम है आपका सुपर टेट, करेक्ट, सुपर टेट एग्जाम है। सबसे पहले तो जूनियर वाला है आपका, है ना, उसके बाद भी फिर सुपर टेट एग्जाम है, और आपका बच्चों एलटी का एग्जाम है, आपका यूपी टेट वाला एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम भी है, और बच्चों आपका सी टेट वाला एग्जाम भी है। तो क्यों ना इन सारों के लिए हम एक ऐसी अच्छी सीरीज लेके चलें जिसमें सारे कवर हों। आपका सुपर टेट मतलब अगर मैं इनमें सारों में चारों में कहूं तो चारों में एक ग्रामर का कंटेंट आपका सेम होगा, ग्रामर कंटेंट सेम होगा बच्चों, और साथ में आपकी वोकेबलरी सेम होगी। बस सी टेट में क्या डिफरेंस होगा, सी टेट में थोड़ा सा पेडागोजी आपकी डिफरेंट बन जाएगी, प्लस कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर ये सारी सेम होने वाली है, बस यहाँ पे पेडागोजी ज्यादा आती है। बाकी पेडागोजी के एक दो क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी आते हैं बच्चों, सुपर टेट में भी आते हैं, एलटी में भी, इन सभी जगहों में, लेकिन ज्यादा इसमें पूछा जाता है। मेरे कहने का मीन्स ये बना कि हम जो सीरीज करेंगे वो इन सब पे बेस्ड होंगी, इन सबको कवर करती चलेंगी। तो सुपर टेट जूनियर पे बेस्ड, एलटी पे बेस्ड, यूपी टेट पे बेस्ड और सी टेट, इन पे बेस्ड हम अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं फिर से। तो जी ठीक है फराब, बहुत अच्छी बात है जी रुचि, गुड मॉर्निंग, ठीक है सभी, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, तो उसी समय से अपना 7 PM पे रख लेते हैं क्लास को। मैं आपको अभी बता दूं कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है और ये इंटरव्यू आपके 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 5 से लेके लगभग 10 तक है, हमारे वाले जो बच्चे हैं उनको 5 से लेके 10 अक्टूबर तक है, तो 5 से 10 अक्टूबर के बीच में इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा बच्चों के साथ में और उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराना होगा। तो इस इंटरव्यू के पूरा 10 के बाद में फिर, या फिर 10 से ही हम आपकी प्रॉपर क्लास कर देंगे, लेकिन इस बीच में, क्योंकि 5 से 10 के बीच में अभी हमारे पास समय है, तो जिस दिन भी हमें टाइम मिलेगा हम आपकी क्लास को लेते रहेंगे, ठीक रहेगा बच्चों के नहीं। अच्छा रुचि, बहुत अच्छी बात है, रीट में बहुत अच्छा हुआ है, दैट्स ग्रेट। हाँ जी पेडागोजी के भी करेंगे राहुल, बिल्कुल करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, बिल्कुल राहुल, कॉम्प्रीहेंशन ऐसा है जो सभी में आता है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो आपका सुपर टेट है, सी टेट है, एलटी है, या फिर डीएसएसबी है, हर जगह पे पूछा जाता है, तो इसकी तो अच्छी तैयारी होनी सबकी जरूरी है। तो इस बार फिर से वही काम लेके चलेंगे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे बच्चों और उसकी प्रैक्टिस लेंगे। अगर कहीं पे मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ती है आपको पढ़ाने की, तो मैं थ्योरी कंटेंट को भी आपके ले लूंगा। तो इन सब पे हम कमांड लेके चलते हैं, बढ़िया से इसको करेंगे शुरू। तो एक सबसे बड़ा काम करते हैं कि आज से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे है, वैसे भी ऑफ है, तो आज 7 PM पे सब बच्चे मिलते हैं, 7 PM पे आज फर्स्ट क्लास आपकी होगी, इन सारे एग्जाम्स को, टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख के, और हम इसमें क्वेश्चंस को करेंगे, तो बेहतर रहेगा बच्चों, सब लोग तैयार हैं इसके लिए, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। तो आज शाम को मिलते हैं 7 PM। बिग अनाउंसमेंट बस यही है बच्चों कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे कंटेंट को नहीं पा पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर और सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों ना हम इस जगह पे इन सारी चीजों को लेके चलें, है ना, आप और हम साथ साथ रहेंगे, आपने देख भी लिया है कि हमें बेनिफिट हो रहा है, क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं, और छोटी छोटी प्रैक्टिस जब करते जाएंगे ना तो हम बहुत अच्छा एडअप कर पाएंगे लास्ट में, ये 100% करेक्ट है जी संध्या, बिल्कुल ठीक है। और मैं भी पंक्चुअल रहता हूं फिर आपके साथ में, डिसिप्लिन में रहते हैं आप भी और मैं भी, तो इसमें मजा आएगा बात में। अच्छा पेडागोजी के लिए दीपक आप पूछ रहे हैं कौन सी बुक, देखो पेडागोजी के लिए मैं सब बच्चों को बता देता हूं, अगर आपके पास में अरिहंत की बुक है पेडागोजी वाली तो उसको तैयार कर लें। वैसे और एक अच्छी बुक आती है टीएमएच की, टीएमएच की आप पेडागोजी के लिए ले लें तो बहुत बेहतर है, है ना, पेडागोजी के लिए अगर टीएमएच ले लें, अगर आप सीटेट के लिए कह रहे हैं तो ये काफी अच्छी है सीटेट।
क्योंकि इसमें हर सेक्शन के क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो सेक्शन भी दिया हुआ है थ्योरी में, तो आपके लिए बेहतर रहेगी। अच्छा, करियर विल में फीस बहुत है सी टेट में। रुचि बेटा ज्यादा तो नहीं कहेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मुश्किल से 1400 समथिंग है, 1499 कुछ ऐसे करके है जहां तक मुझे लग रहा है, तो ज्यादा नहीं है, बट इट्स ऑल राइट, कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है अगर आपने किया हुआ है। अच्छा रोशनी, अपडेट करने के बाद से ओपन नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे काफी बच्चों के कॉल्स आए हैं और प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने फीस जमा कर दी है तो वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन उस पर वर्क हो रहा है, मैंने सारी उनकी क्वेरीज को फॉरवर्ड कर दिया है सर के पास में, और सर उस चीज को देख रहे हैं। अब जब आपकी कल से क्लास शुरू होगी तो कल वाली क्लास में आपको चीजें ठीक मिल जाएंगी, मतलब जहां तक उम्मीद है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बच्चों, करेक्ट बात है कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं रुचि, अगर आप चाहते हैं बेटा एडमिशन नहीं ले रहे हैं उस पर, तो प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस आप इस पे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस हम इतनी कर लेंगे कि हमारा वर्क बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लास का पर्पज ही ये है सब बच्चों के लिए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को बस इतना ही मुझे अनाउंस करना था सब बच्चों को, कि हम मिलके फिर से अपने वर्क को अगेन शुरू कर रहे हैं और इस पे वर्क करते हैं, छोटी छोटी प्रोग्रेस डेली हम करते रहेंगे और डेली हमारा वर्क बढ़िया होता रहेगा, तो हम इससे आगे बढ़ते रहेंगे। यानी वही बात मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूं, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, छोटी छोटी सी प्रोग्रेस, अगर हमारे दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी डेली हो रहा है, तो बच्चों सोचो 30 दिन में हमारे 30 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस हो रही है ना, तो इसी बात को लेकर चलना है। मॉर्निंग वाली क्लास सभी मॉर्निंग वाली भी 10 के बाद में बेटा देखेंगे, लेकिन अभी से हम एक बार शाम वाली शुरू कर देते हैं, फिर इसमें ही मॉर्निंग की भी शुरू करेंगे, यानी कि आपके जो वोकैबुलरी वाली है उसको भी फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं इवनिंग में आज शाम को 7 PM। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू बच्चों।